हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो के अंदर, पहले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से हम चेंज करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर मिस की होगी कि उसके रूल्स जो हैं उसको क्लियर नहीं किया गया, रूल्स को मेंशन नहीं किया गया। तो आप इन रूल्स को अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, जो कि आपको उस टॉपिक को एकदम से क्लियर कर देंगे। तो चलिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या था? रूल नंबर फर्स्ट है कि हमने किसको चेंज करना है, हमने चेंज करना है। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करते हैं, तभी आपने सिर्फ और सिर्फ सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन चेंज करें। इतना ही वर्क करना है आपने कि जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उनके प्रोनाउन चेंज कीजिए। वो पहले वीडियो में आपको बताया गया कि प्रोनाउंस टेबल को देख के आप कैसे उसे चेंज कर सकते हैं, और प्रोनाउन चेंज करने का फॉर्मूला है SON/1, 2, 3, वेयर एस स्टैंड फॉर एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। ये किसका सब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? ये आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब के। 1, 2, 3 किसके लिए है? 1, 4 फर्स्ट पर्सन, 2, 4 सेकेंड पर्सन, 3, 4 थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो गाइस, एस फर्स्ट पर्सन जो होंगे, ये किसके पर्सन है? ये पर्सन है आपके रिपोर्टिंग स्पीच के। दूसरा रूल्स था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच की सेंस जो है वो स्टेटमेंट में हो। स्टेटमेंट सभी बच्चे जानते हैं, स्टेटमेंट जो होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की होती है। और नेगेटिव की होती है। तब आपने क्या करना है? तब आपने से को सेज में रहने देना है, से टू को टेल में कन्वर्ट कर देना है, सेज को सेज में रहने देना है और सेज टू को टेल्स में चेंज कर देना है। यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। इसको इतने को हम चेंज करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम बेटर समझेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, सी सेज टू मी, आई कैन हेल्प यू, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो चलिए हम देखते हैं कि ही सेज टू मी, सबसे पहले ये देखिए, रिपोर्टिंग प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। उसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच की सेंस कैसी है? रिपोर्टिंग स्पीच की सेंस है स्टेटमेंट की। सब्जेक्ट से स्टार्ट है, स्टेटमेंट हमेशा याद रखें कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होती है। और सब्जेक्ट में क्या रहता है? सब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन और नाउन दो चीज़ें रहती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेज टू लिखा हुआ है। अभी यहाँ चेक कीजिए कि सेज टू को किस में कन्वर्ट किया गया है। सेज टू को कन्वर्ट किया गया है टेल्स के अंदर। यहाँ तक सभी बच्चे इजीली कर लेंगे, टेल्स मी। अभी जो थर्ड पॉइंट है वो क्या करना है आपने,
कोमा इन्वर्टेड कोमा को दैट में चेंज कर दें। चलिए यहां पे कोमा इन्वर्टेड कोमा है, इसको हमने चेंज कर दिया दैट में। अभी गाइस हमने क्या करने हैं, यहां देखिए चेंज करें क्या, एसओ एन बाय 1 2 3 प्रोनाउन को चेंज करना है। प्रोनाउन को अंडरलाइन कर लीजिए आई और यू, आई और यू। जैसा कि आपको टेबल में पिछले वीडियो में बताया गया था कि आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है और यू आपका थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन सॉरी। आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन किसकी रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के चेंज करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है शी, तो आई फर्स्ट फॉर्म है, शी की फर्स्ट फॉर्म क्या रहने वाली है, शी। तो यहाँ पे आप किसका यूज कीजिए, शी। और कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको चेंज करने हैं प्रोनाउन। तो शी कैन मोडाल के साथ आपको बता है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है हेल्प। अभी देखिए क्या है, यू 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 आपको बताया था कि यू फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो हेल्प वर्ब होगी। वर्ब के जो आफ्टर आते हैं वो हमेशा ही थर्ड होते हैं, तो थर्ड है तो यू चेक कीजिए गाइस, यू आपका सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है आपके पास, मी है, मी। मी किसका फॉर्म है, आई का फॉर्म है, यू थर्ड फॉर्म है, तो मी की थर्ड फॉर्म क्या रहने वाली है, मी की थर्ड फॉर्म रहने वाली है मी। तो इस प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रहता है आपका जो रूल नंबर थर्ड है, जब रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव हो। इंट्रोगेटिव को सबसे आसान है पहचानना, आप गाइस देखिए कि लास्ट के अंदर साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, तो क्या करेंगे आप, तब से हो या से हो, से टू हो, आपने उसे चेंज कर देना है एस के अंदर, और सेज है और सेज टू है उसे चेंज कर देंगे आप एस के अंदर। उसके बाद रूल क्या फॉलो करना है आपने, कोमा इन्वर्टेड कोमा को, कोमा इन्वर्टेड कोमा को क्या करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमने यूज करना है इफ का और वेदर का, और दूसरा यूज करना है हमने डब्ल्यू एच क्वेश्चन फैमिली का। ये बात कब अप्लाई होगी, जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है। तो इफ और वेदर कब यूज करेंगे और डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड कब यूज करेंगे, ये यूज करना है आपने इफ और वेदर का कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद हेल्पिंग वर्ब हो। कई बच्चों को हेल्पिंग वर्ब पहचानने में अगर दिक्कत है तो इसको क्लियर कर लें, बाकी के साथ आप इफ और वेदर लगा दें। कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाद अगर डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड है, तब आपने क्या यूज करना है, सेम वर्ड का यूज करना है। क्लियर कर लेते हैं इसे एग्जाम्पल से, ही सेज टू मोहित व्हाट इज योर नेम, ही सेज टू मोहित व्हाट इज योर नेम। तो देखिए सबसे पहले हमने इसे पिक किया, ये इसी के रूल के अंदर चल रहा है गाइस, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में, रिपोर्टिंग वर्ब आपको प्रेजेंट और फ्यूचर की ही मिलने वाली है। हमने चेक करना है उसके बाद
रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ पे हमने चेक की अफर्मेटिव के अंदर था, नेगेटिव के अंदर था, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इंट्रोगेट में है, तो व्हाट इज योर नेम के लास्ट में क्या है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। साइन ऑफ इंट्रोगेशन देख करके आपके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी मुस्कान आ जानी चाहिए, क्योंकि हम सेज टू को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, सेज टू को कन्वर्ट करने वाले हैं हम एस्क्स के अंदर। इतना सभी बच्चे क्लियर करेंगे, ही एस्क्स मोहित, ही एस्क्स मोहित। अब चेक कीजिए इन्वर्टेड कोमा के बाद, क्या इन्वर्टेड कोमा के बाद हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई कर देखने में दिक्कत आती है, आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है, तो दूसरे की जगह चले जाइए। क्या ये डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड है? डब्ल्यू एच फैमिली के 9 क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनमें से क्या है? तो ये यस है, डब्ल्यू एच है, तो डब्ल्यू एच है तो सेम वर्ड यूज़ कर दें, नहीं तो इफ़ और वेदर दोनों में से एक लगा दें। चलिए डब्ल्यू एच फैमिली से है तो हम उसे ही यूज़ कर देंगे व्हाट। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो मेन टॉपिक है ये ध्यान रखें, मैं आपको हिंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे, इसे ज़रूर मेंशन कर लें, अंडरलाइन ज़रूर कर लें कि इंट्रोगेटिव फॉर्म को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दें। और भाई कैसे कर सकते हैं हम इंट्रोगेटिव फॉर्म को स्टेटमेंट में कन्वर्ट, उसके बाद का जो सब्जेक्ट है उसे आप पिक कर लीजिए। आप देखिए योर सब्जेक्ट किस में होता है, सब्जेक्ट होता है आपका नाउन और प्रोनाउन, तो नाउन और प्रोनाउन में आपको ये प्रोनाउन नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमेशा याद रखना है कि जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अकेले नहीं आते, उनके साथ नाउन कैरी करता है, तो योर नेम कंबाइंडली आपका आगे आएगा, योर, योर आपका हुआ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा मोहित, तो योर आपकी फॉर्म है सेकंड, तो मोहित ही से रिप्रेजेंट करेंगे, ही की सेकंड फॉर्म हुई हिज, व्हाट हिज नेम इज, और लास्ट में क्या यूज कर दीजिए, फुल स्टॉप। तो गाइस ये जो रूल है बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस के ऊपर जो आपको फर्स्ट वीडियो करवाई गई थी इन्हीं के ऊपर बेस थी, इसको नोट करना आपको ज़रूरी है, इसको रिसाइट करना ज़रूरी है, इसको रिमेंबर करना ज़रूरी है और इसको अंडरस्टूड करना ज़रूरी है। उसी के अकॉर्डिंग आप उन जितने भी सेंटेंस हैं फर्स्ट रूल से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर से रिलेटेड रिपोर्टिंग वर्ब के, उनको ईजिली चेंज कर पाएंगे और आसानी से आपके मार्क्स जो हैं किसी प्रकार का उसके अंदर कटौती नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चलते हैं, कल हम फिर से आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।